हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने सोशियोलॉजी का अगला लेक्चर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनोमेनोलॉजी की बात कर ली थी और आज के इस लेक्चर के जरिए हम बात करेंगे एथनोमेथोडोलॉजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, एथनोमेथोडोलॉजी समझते हैं इसके बारे में। एथनोमेथोडोलॉजी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s, ठीक है, तो 1960 में इसको सबसे पहले डेवलप करा गया था। इट इज कंसर्न्ड विद मेथड्स पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट अकाउंट फॉर एंड गिव मीनिंग टू देयर सोशल वर्ल्ड। समझ में आ गया? तो दोस्तों, ये कंसर्न्ड होता है मेथड्स के साथ। किसके साथ? एथनोमेथोलॉजी, वैसे नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड्स से डील करता है। किससे? मेथड से। तो देख लीजिए, इट इज कंसर्न्ड विद मेथड्स पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट अकाउंट फॉर गिव मीनिंग टू देयर सोशल वर्ल्ड। ऑब्वियसली, जो भी मेथड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल वर्ल्ड को मीनिंग देने के लिए, ठीक है, जो भी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, उसी की स्टडी को स्टडी करता है ये एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। एथनोमेथोलॉजी इज नॉट अ मेथोडोलॉजी, फिर से बोलता हूं, याद रखिए, एथनोमेथोडोलॉजी कोई मेथड नहीं है, बट रेदर अ स्टडी ऑफ मेथोडोलॉजी। समझ में आया? तो ये कोई मेथड नहीं है, बल्कि मेथड्स को, मतलब जो मेथड्स हैं उन्हीं की स्टडी करने के लिए एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, स्टडी ऑफ मेथोलॉजी, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट हैव फॉर्मल मेथोलॉजी बट इट इज स्टडी ऑफ मेंबर्स मेथड। तो देख लीजिए, मेथोलॉजी की कोई फॉर्मल मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि बट द स्टडी ऑफ मेंबर्स मेथड, जो भी मेंबर्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेथड्स आपको बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, जैसे मार्क्सिस्ट मेथड बता रखा है, फंक्शनलिस्ट मेथड बता रखा है आपको, बहुत सारे मेथड समझा रखे कि नहीं समझा रखे, तो उन्हीं की स्टडी को, स्टडी जो करता है उसी को कहा जाता है एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। द मेथड्स ऑफ अदर्स, एथनोमेथोलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर इज नो रियल सोशल ऑर्डर। तो याद रखिए, एथनोमेथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमेशा विश्वास करते हैं कि कोई रियल सोशल ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जैसा कि सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वो अज्यूम करते हैं, ना, जैसे आपको पता है, जैसे फंक्शनलिस्ट लोग क्या अज्यूम करते हैं कि हमेशा सोसाइटी में क्या है, सोशल ऑर्डर है, ये तो आपको पढ़वा रखा है कि नहीं पढ़वा रखा मैंने, लेकिन एथनोमेथोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई भी रियल सोशल एग्जिस्ट नहीं करता, रियल सोशल ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। फॉर देम सोशल ऑर्डर इज कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड्स ऑफ सोशल एक्टर्स। देख लीजिए, इनके अनुसार क्या है, एथनोमेथोलॉजिस्ट के अनुसार जो सोशल ऑर्डर है वो सोशल जो एक्टर्स हैं यानी इंसान है, हम लोग हैं, जैसे हमारे माइंड में जो सोशल ऑर्डर है वो कंस्ट्रक्ट करा जाता है, ठीक है। एज सोसाइटी कन्फ्रंट द इंडिविजुअल ए सीरीज ऑफ सेंस इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंसेस व्हिच शी और ही मस्ट समहाउ ऑर्गेनाइज इनटू कोहेरेंट पैटर्न। तो कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी हमको पहले से सिखा देती है, शुरुआत में ही से सिखा देती है, और धीरे धीरे हम समझ जाते हैं और अपने माइंड में बिल्ड कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, सोशल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप शुरुआत में स्कूल जाते हैं तो आपको, जब नए नए बच्चे होंगे ना, तब जाते नए बच्चे तो उन्हें सोशल ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे जब स्कूल में घुस जाते हैं तो धीरे धीरे वो अपने माइंड में सोशल ऑर्डर बना देते हैं। माइंड में सोशल ऑर्डर क्या बना देते हैं, देखिए, पहले उस बच्चा कोई भी नया स्कूल में जाता है तो उसे नहीं पता होता कि लंच होता है, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ऐसा होता है, फिर प्ले ग्राउंड में छुट्टी होती है, मतलब आधे घंटे के, तो उसे पता नहीं होता सोशल ऑर्डर, लेकिन जैसे जैसे जाने लगता है वो अपने माइंड में समझ जाता है कि हाँ, सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है। सोशल लाइफ अपीयर्स ऑर्डरली टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ओनली बिकॉज मेंबर्स एक्टिवली एंगेज। समझे कि नहीं समझे भाई? सोसाइटी में जो ऑर्डर बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, कैसे आपको लगता है कि, आपको कैसे लगता है दोस्तों कि सोसाइटी में ऑर्डर बना हुआ है, क्योंकि आप लोग जो है, देखिए ना, सोसाइटी में क्या है, एक्टिवली इंगेज हैं इन मेकिंग सेंस ऑफ दिस सोशल वर्ल्ड, और आप जो है सोसाइटी में एक्टिवली इंगेज हो और आप सोशल वर्ल्ड का क्या निकाल रहे हो, सेंस निकाल रहे हो, कि फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हो, बाहर शोर शराबा हो रहा है, तो आप समझ जाते हो कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, है ना, कोई रो रहा है रोड पे खड़े होके, क्यों रो रहा है, कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, आप अपने माइंड में ना क्या बना लेते हो, सेंस बना लेते हो कि कोई रो रहा तो कुछ ना कुछ इसके साथ इशू हुआ होगा, आप ऐसे ही कुछ नहीं कर लेते, समझे कि नहीं समझे। द पॉइंट ऑफ एथनोमेथोलॉजी अकॉर्डिंग टू जिमरमैन इज टू एक्सप्लेन हाउ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी गो अबाउट टू टास्क ऑफ सीइंग डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑर्डर इन द वर्ल्ड इन विच दे लिव। समझ में आ गया? तो जो पॉइंट है एथनोमेथोलॉजी का, किसके अनुसार, जिमरमैन के अनुसार, इनका सिंपल सा है, जिमरमैन के अनुसार, जिमरमैन बोलते हैं कि जो एथनोमेथोलॉजी का मेन पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, कि एक्सप्लेन करना कि हाउ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी गो अबाउट द टास्क ऑफ सीइंग डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑर्डर इन द
वर्ल्ड विच दे लिव। ठीक है, फिर से बोलता हूं, एथनोमेथोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मेरा काम यह है कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं ना, जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कैसे सोसाइटी में जो ऑर्डर बना हुआ है, सोशल ऑर्डर बना हुआ है, उसको वो कैसे देखते हैं कि क्यों सोशल ऑर्डर बना हुआ है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे है कि जिस वर्ल्ड में वो जी रहे हैं वो एक सोशल ऑर्डर में बना हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, एथनोमेथोलॉजी करती है। ठीक है, Many of the concerns of ethnomethology have reflected the type of approach developed by schools. Ethnomethologists have applied phenomenological ideas in carrying research. देख लीजिए, obviously मैंने बता दिया था, ethnomethology कोई method नहीं है बल्कि study करता है चीजों को। तो देखे हुए ethnomethologist ने कौन सा method apply करा, एक तरीके से phenomenological ideas apply करें in carrying out research. Harold Garfinkel, इनका नाम याद कर लीजिए, very very important. फिर से बोलता हूँ, इनका नाम याद कर लीजिए, Harold Garfinkel, इन्हीं का नाम बहुत बहुत important है। तो हैरोल्ड गेरफिंकल ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पहली बार इस एथनोमेथोडोलॉजी को जो टर्म है इसको कॉइन करा था। तो इसीलिए बोल रहा हूं इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरोल्ड गेरफिंकल का। तो इन्होंने सबसे पहले एथनोमेथोलॉजी जो टर्म है 1967 में कॉइन करी थी। रफली ट्रांसलेटेड एथनोमेथोलॉजी मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ मेथड्स पीपल यूज। तो देख लीजिए, इन्होंने एथनोमेथोलॉजी की डेफिनेशन भी दी थी। तो क्या है एथनोमेथोलॉजी की डेफिनेशन, वही मैं अभी बात आ चुका हूँ। इन्होंने बोला कि एथनोमेथोलॉजी कुछ नहीं है, एथनोमेथोलॉजी इसका मतलब है स्टडी ऑफ मेथड्स जो कि पीपल इस्तेमाल करते हैं सोशल ऑर्डर को समझने के लिए या सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल फंक्शनलिस्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, तो इन्हीं सारे मेथड्स को स्टडी करना। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द मेथड्स यूज्ड बाय पीपल टू कंस्ट्रक्ट अकाउंट फॉर एंड गिव मीनिंग टू देयर सोशल वर्ल्ड। ठीक है, एथनोमेथोलॉजिस्ट फॉलो स्कूट्स इन बिलीविंग देयर इज नो सोशल ऑर्डर। मैंने जब आपको स्कूट्स पढ़ा रहा था, आपको पिछले लेक्चर जरूर जाके देखिए, उसमें मैंने स्कूट्स के बारे में बताया था। और स्कूट्स हमेशा बिलीव करते हैं कि भाई सोसाइटी में कोई भी रियल सोशल ऑर्डर नहीं है, मैंने आपको समझाया था। तो एथनोमेथोलॉजिस्ट भी यही चीज फॉलो करते हैं स्कूट्स गाई, क्योंकि एथनोमेथोलॉजिस्ट भी बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी रियल सोशल ऑर्डर नहीं है। वो तो माइंड में लोगों ने बना रखा कि ये रियल सोशल ऑर्डर है, ये रियल सोशल ऑर्डर है, बल्कि सोसाइटी में कोई भी रियल सोशल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, एज अदर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अज्यूम, मैंने बता दिया, जैसे कि फंक्शनलिस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर है, कुछ ना कुछ मार्क्सिस्ट भी अज्यूम कर लेते हैं सोशल ऑर्डर है, लेकिन मार्क्सिस्ट बाद में विश्वास करते हैं कि रेवोल्यूशन आएगा। कहने का मतलब यह है कि बाकी जो पर्सपेक्टिव है वो विश्वास करते हैं कि रियल सोशल ऑर्डर है, लेकिन एथनोमेथोलॉजिस्ट और स्कूट्स जो है ये भी लोग विश्वास करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी रियल सोशल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सोशल लाइफ अपीयर्स ऑर्डरली टू मेंबर्स, देखिए, ऑफ सोसाइटी ओनली बिकॉज मेंबर्स एक्टिवली इंगेज इन मेकिंग सेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल लाइफ। ये अभी मैंने ऊपर लाइन समझाई थी कि भाई लोग जो है उन्हें क्यों सोसाइटी में सोशल ऑर्डर अपीयर होता है, क्योंकि भाई दोस्तों क्योंकि वो लोग जो है एक्टिवली इंगेज है। आप देखिए, आप भी, आपको भी तो लगता है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना हुआ है, आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप देखिए ना, रोड से जाते होंगे, ट्रेवल करते होंगे बाइक स्कूटी से, रेड लाइट फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा लोग बात मानने जाओ, ऑफिस में काम करते हो, स्टडी करते हो, आपको लगता है कि सोशल ऑर्डर बना हुआ है। क्यों ऑर्डर बना हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो है एक्टिवली इंगेज हो और आप सेंस बना रहे हो उस सोशल लाइफ का। जब तक आपके लिए सेंस बन रहा है तब तक आपके लिए सोशल ऑर्डर है। सपोज मान लो कल को ना सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज आ जाए, कई लोग आ जाए अजीब सी हरकतें करने लगे, है ना, 150 लोग आ जाए आपके मोहल्ले में, गली में, और वो चिल्लाने लगे, एकदम से अजीब अजीब चीजें करने लगे, तो आप ना सेंस नहीं बना पाओगे, आप सेंस नहीं बना पाओगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा, वो सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे, फिर से बोलता हूं, जो आपके साथ देखिए कैजुअल जो चीजें होती रहती है ना लाइफ में, तो आप सेंस बना लेते हो कि हाँ ये कैजुअल चीज है, तो ये क्या है, ये तो कैजुअल चीज है, ये तो सोशल ऑर्डर का पार्ट है। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो बिल्कुल ही आपके लिए बिल्कुल ही न्यू हो, तो क्या होगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, ये तो सोशल ऑर्डर कभी था ही नहीं, तो आप उस चीज की सेंस नहीं बना पाओगे। समझे कि नहीं समझे, सोसाइटीज हैव रेगुलर एंड ऑर्डर्ड पैटर्न्स। ऑब्वियसली जो आप सोसाइटी में जीते हो उसके पास रेगुलर और ऑर्डर्ड पैटर्न्स होते हैं। ओनली बिकॉज मेंबर्स परसीव देम इन दिस वे, ठीक है, सोशल ऑर्डर देयरफॉर बिकम्स कन्वीनियंट फिक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर कंस्ट्रक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली लोग जो है अपने मन में ही एक तरीके से फिक्शन बना लेते हैं कि सोसाइटी में क्या है, ऑर्डर बना हुआ है। फिर से बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि आप जो है देखिए ना, आप अपना ये एग्जांपल ले लीजिए, आप अपनी रूटीन लाइफ जो जी रहे हैं,
आपकी रूटीन लाइफ वैसे ही चल रही है जैसे आप लोगों ने बना रखी है, तो आपके मन में एक चिप बन गया कि भाई सोसाइटी में क्या है, ऑर्डर बना हुआ है। लेकिन सपोज मान लो कल को कुछ ऐसी डिसरप्शन आ जाती है जिसमें आपको पता नहीं चला कि मेरे सोशल जो रूटीन है वो कैसे खराब हो गया, तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा आपको, तब आप कहेंगे कि आप जो है आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि ये सोशल ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं रहा। ठीक है, दिस अपेयरेंस अलाउज फॉर द सोशल वर्ल्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन एंड मेड नॉलेजेबल रीजनेबल अंडरस्टैंडेबल एंड अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है सोशल वर्ल्ड है, अपेयरेंस अलाउज द सोशल वर्ल्ड टू बी डिस्क्राइब्ड, तो जो है अपेयरेंस है सोशल वर्ल्ड की, उसको जो भी मतलब आप जिस सोशल वर्ल्ड में रहते हो वो आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मेड नोएबल रीजनेबल अंडरस्टैंडेबल एंड अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर्स। ऑब्वियसली सोसाइटी में यही सिखाया जाता है, जो आप जिस सोशल वर्ल्ड में रह रहे हो उसके बारे में आपको शुरुआत से बताया जाता है, तो इसी वजह से आपको लगता है कि हाँ सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड अकाउंटेबल इन द सेंस दैट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बिकम एबल टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर ओन एक्शन, ठीक है, एंड ऑफ द सोसाइटी अराउंड देम व्हिच आर रीजनेबल एक्सेप्टेबल टू themselves एंड अदर्स। अब भाई गार्फिंकल बार बार बोल रहे हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट है। गार्फिंकल आर्ग्यू करते हैं दैट मेंबर्स एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्री मेथड, ठीक है, याद देखिए ये इंपॉर्टेंट मेथड अभी समझाऊंगा। तो गार्फिंकल आर्ग्यू करते हैं कि जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, ये डॉक्यूमेंट्री मेथड को एम्प्लॉय करते हैं टू मेक सेंस ऑफ एन अकाउंट फॉर सोशल वर्ल्ड। ठीक है, फिर से बोलता हूं भाई, जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो लोग जो है सेंस कैसे बनाते हैं, सेंस कैसे बनाते हैं और कैसे समझते हैं कि सोशल वर्ल्ड में जो है उसका एंड अकाउंट फॉर सोशल वर्ल्ड एंड टू गिव इट अपेयरेंस ऑफ ऑर्डर। तो मतलब कहने का यह है कि लोग जो है सोसाइटी में वो कैसे सोशल सेंस बनाते हैं, कैसे समझते हैं कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ये किसकी मदद से करते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट्री मेथड से। डॉक्यूमेंट्री मतलब समझिए, डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है कि आप समझिए ना, आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, आपने अपने माइंड में ना एक तरीके से डॉक्यूमेंट बना रखा है और आपने फिक्स कर रखा है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, तो कहने का मतलब है सोशल ऑर्डर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भैया कोई बाहर मतलब जहां आप कोचिंग लेने जाते होगे, पढ़ाई करने जाते होगे, कि आपको पता है कि एक गार्ड भैया है बाहर खड़े रहते हैं, इसके अलावा मेरे टीचर हैं, मेरे स्टूडेंट्स वहां पे मेरे साथी हैं, मेरे को बुक्स मिल रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, इसके अलावा फैमिली में मम्मी खाना बना रही हैं, पापा काम पे जा रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मल चीजें क्या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट कर रखी हैं, तो आपके लिए क्या है ये सोशल ऑर्डर बना हुआ है। समझे कि नहीं समझे, तो आप सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उसकी सेंस कैसे बना पाते हो, फिर से बोलता हूं, आप उसकी सेंस कैसे बना पाते हो, क्योंकि आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट्री मेथड एक तरीके से आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है अपनी लाइफ में, क्या डॉक्यूमेंट्री मेथड। ठीक है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ फीचर्स कंटेंट इन एनी सिचुएशन और कंटेक्स्ट। समझे कि नहीं समझे, तो डॉक्यूमेंट मेथड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट मेथड में देखिए ना, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंटेक्स्ट है, ठीक है, उसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ फीचर बना रखे। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, अगर सपोज मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में ना आप लोगों ने इनफिनाइट नंबर ऑफ फीचर बना रखे कि मेरी फैमिली में मम्मी पापा के बीच में लड़ाई भी हो सकती है, भाई बहन के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लव होगा, प्यार होगा, हम लोग जो है कभी घूमने भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे फीचर आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा रखे हैं, तो ये सब चीजें जब आपकी लाइफ में होंगी ना, तो आप उसको एबनॉर्मल नहीं फील करोगे, आप फील करोगे कि ये क्या है, एक सोशल ऑर्डर का ही पार्ट है। समझे कि नहीं समझे, डिफाइनिंग दम इन अ पर्टिकुलर वे एंड सींग दम एज एविडेंस ऑफ अंडरलाइंग पैटर्न। तो ऑब्वियसली जो भी चीजें आपके साथ होती है फैमिली में, मैंने बताया ना, मम्मी पापा आर्ग्यू कर रहे हैं या भाई बहन की लड़ाई हो रही है या प्यार हो रहा है, आप फैमिली में कहीं घूमने जा रहे हो, फिर शादी आ रही है, ये आपके लिए नॉर्मल चीजें और एक तरीके से एविडेंस आपको दिखाती है कि भाई अगर ये चीजें हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ये आपके दिमाग में है। समझे कि नहीं समझे, द प्रोसेस इज देन रिवर्स्ड एंड पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अंडरलाइंग पैटर्न are used as evidence for the existence of pattern. वही बात बोली जा रही है कि प्रोसेस को जो है रिवर्स कर दिया जाता है एंड पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ अंडरलाइंग पैटर्न। कोई भी पैटर्न आप लोगों ने बना रखा है कि सपोज मान लो मेरी फैमिली में ये चीजें होंगी, फिर उसका आप जो है पर्टिकुलर इंस्टेंस उठाते हो और उस इंस्टेंस को उठा के उसका इस्तेमाल करते हो एक एविडेंस के तौर पर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैटर्न। ठीक है, और आप समझ जाते हो कि अभी भी ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन गार्फिंकल्स वर्ड्स द डॉक्यूमेंट्री मेथड कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग एन एक्चुअल अपीयरेंस। तो देख लीजिए गार्फिंकल के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्री मेथड है इसमें क्या कंसिस्ट होता है, तो डॉक्यूमेंट्री मेथड में इनके अनुसार कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग एन एक्चुअल अपीयरेंस एज डॉक्यूमेंट्स ऑफ या पॉइंटिंग टू स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्री सपोज्ड अंडरलाइंग पैटर्न। समझे कि नहीं समझे, तो डॉक्यूमेंट्री मेथड में ये साफ साफ बोलते हैं कि ये जो है एक्चुअल अपेयरेंस को ट्रीट करते हैं, जो भी एक्चुअल अपेयरेंस होती है, मैंने बता दिया ना आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है आप लोगों ने अपने दिमाग में ना बैठा रखा है और उसका एक क्या बना रखा है, डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो आपने जो भी एक्चुअल अपेयरेंस है आपकी लाइफ में
ठीक है, उसको आप डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हो, पॉइंटिंग टू स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्री सपोज अंडरलाइंग पैटर्न। ठीक है, नॉट ओनली इज द अंडरलाइंग पैटर्न डिराइव फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो याद रखिए, ये जो अंडरलाइंग पैटर्न है ये आप लोगों ने कहां से बनाया है भाई, आपके दिमाग में जो पैटर्न बना हुआ है, डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये कहां से बना हुआ है दोस्तों, ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे। आप जब अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देखते हो, मतलब जो भी आपने पैटर्न बना रखा है लाइफ का, तो उसको लेकर आपने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है कि भाई ये पैटर्न चल रहा है लाइफ में, तो इसके लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट इन द सेंस क्या क्या एविडेंस है, तो उसको लेकर आप लोग जो भी एक्सपीरियंस करते होगे लाइफ में, वही वही चीज आप लोगों ने उस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखी होंगी। डॉक्यूमेंट इन द सेंस सचमुच में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके माइंड में मेंशन है, ठीक है। बट द इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इन द टर्न आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट द अंडरलाइंग पैटर्न, ईच इज यूज्ड टू एलैबोरेट द अदर। ठीक है, अगला है जो टॉपिक वो है, मतलब एथनोमेथोलॉजी का ही टॉपिक है, वो है एन एक्सपेरिमेंट इन काउंसलिंग। तो दोस्तों, गेरफिंकल ही ने ही एक एक्सपेरिमेंट करा था काउंसलिंग को लेकर, याद रखिए ये एथनोमेथोलॉजी का ही पार्ट है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था काउंसलिंग को लेकर, ये क्या एक्सपेरिमेंट करा था इसको समझते हैं। गेरफिंकल क्लेम्ड टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द डॉक्यूमेंट्री मेथड। तो देखिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड है ना, उसी को अच्छे से समझाने के लिए, अभी मैंने बता दिया है डॉक्यूमेंट्री मेथड क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट्री मेथड को ही अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने दोस्तों डॉक्यूमेंट्री मेथड एंड इट्स रिफ्लेक्सिव नेचर, डॉक्यूमेंट्री मेथड का ही रिफ्लेक्सिव नेचर को समझाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा यूनिवर्सिटी ऑफ साइकाट्री में। फिर से बोलता हूँ, इन्होंने ही डॉक्यूमेंट्री मेथड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और इसका रिफ्लेक्सिव नेचर समझाने के लिए कि कैसे डॉक्यूमेंट्री नेचर एक जो है रिफ्लेक्सिव नेचर में इसका नेचर है, इसी को समझाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री में एक एक्सपेरिमेंट करा था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या करा था अब समझते हैं। इन्होंने दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और इन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड एज न्यू फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाया गया और बोला गया कि आपको एक साइकोथेरेपी जो इवेंट हम करवा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, बच्चे आए, उन्होंने बोला ठीक है सर, हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट को बोला गया कि आप लोग जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को थोड़ा समराइज कीजिए। सारे बच्चों को बोला कि आप लोग जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को समराइज कीजिए और अपने मन में ना जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको लेकर जो भी एडवाइस आपको जरूरत है उसको आप अपने दिमाग में बैठा लो और हम आपको आपके लिए काउंसलर प्रोवाइड करवाएंगे। क्या प्रोवाइड करवाएंगे? काउंसलर प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपने जो भी क्वेश्चन बना रखे मन में उनके आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन देखिए, जो भी इन्होंने काउंसलर बनाया ना उसको आमने सामने नहीं बैठाया। कहने का मतलब यह है, स्टूडेंट को दूसरे रूम में बैठा दिया और काउंसलर को दूसरे रूम में बैठा दिया। अब एक दूसरे की वो दोनों आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट बैठाया और इधर दीवार की तरफ एक काउंसलर बैठाया, देख लीजिए, काउंसलर सेट इन एन एडजॉइनिंग रूम, द स्टूडेंट एंड काउंसलर कुड नॉट सी ईच अदर एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंटरकॉम। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को शो नहीं सकते, देख नहीं सकते थे और दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे इंटरकॉम के जरिए। द काउंसलर वॉज लिमिटेड टू रिस्पॉन्सेस ऑफ इधर और नो, इधर यस और नो, और काउंसलर को भी बोला गया कि आप जो है एक एक भाई डिटेल में आंसर नहीं दोगे आंसर बच्चों का। बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना प्रॉब्लम को लेकर, तो आप डिटेल में आंसर नहीं बताओगे। काउंसलर को बोला गया कि आपके पास दो ही ऑप्शन है बच्चों को हेल्प करने के लिए, या तो जब वो क्वेश्चन पूछे तो या तो उसको बोल दो यस यस ये सही है, या नो नो बोल दो। ठीक है, अननोन टू द स्टूडेंट द काउंसलर वॉज नॉट अ काउंसलर एंड द आंसर्स रिसीव्ड वर इवनली डिवाइडेड बिटवीन यस और नो। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, काउंसलर और काउंसलर किस बात का, जब वो डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं कर पा रहा तो एक तरीके से वो काउंसलर नहीं है और उसके आंसर भी जो थे वो डिवाइडेड थे यस या नो में, इन द सीक्वेंस इन देयर सीक्वेंस बींग प्री डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, इन वन केस अ स्टूडेंट वॉज वरीड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड। तो एक जो स्टूडेंट था उन्हीं में से वो वरीड था अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड बिकॉज ही वॉज अ ज्यूज एंड शी वॉज अ जेंटाइल। ठीक है, He was worried about his parents' reaction to the relationship and the problems that might result from marriage and children. His question related to these concerns. तो इसी से related जो है concerns से related उसके questions थे, तो वो पूछने लग गया counselor से questions. ठीक है, अब counselor मैंने बता दिया है या तो yes में answer देगा या no में answer देगा. Despite the fact that answers he received were random and given without reference to the content questions, sometimes contradicted previous answers, the student found them helpful. रीजनेबल एंड सेंसिबल। सोचिए ना, अब भले ही उसको आंसर जो है स्टूडेंट को यस या नो में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब यस आ रहा है या नो आंसर आ रहा है, फिर भी उस स्टूडेंट ने उस यस नो जो आंसर था उसको सेंस बना लिया और उसने बोला कि वाओ,
ये जो काउंसलिंग सेशन था वो काफी हेल्पफुल था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों ने ऑलरेडी सेंस बना ली। सेंस बना ली क्यों उस यस या नो के आंसर का, क्योंकि उन्होंने सोच दिया कि यार अगर मेरा ये प्रॉब्लम था कि भाई मैं ज्यूस हूँ या वो जेंटाइल है क्यों इस वजह से शादी नहीं हो पा रही, तो उसने अगर टीचर ने नो बोल दिया तो सेंस बना लिया होगा क्योंकि माइंड में बच्चे ने कि हाँ इस वजह से हम लोगों की शादी नहीं हो पा रही क्योंकि हम मैं ज्यूस हूँ और वो जेंटाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि यस या नो जो आंसर दिया उस काउंसलर ने, भले ही उसका मतलब फिक्स नहीं था कि यार मुझे नो देना चाहिए या यस नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों ने सेंस बना ली। क्यों सेंस बना ली? क्योंकि उनके माइंड में पहले से ही फिक्स्ड था, डॉक्यूमेंट जो है फिक्स्ड था कि अगर टीचर मुझे यस दे रहा है आंसर, नो दे रहा है, तो इसका ये मीनिंग निकल जाएगा, ये इसका ये मीनिंग निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सेंस बना ली बच्चों ने, तो इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करा है किसको, डॉक्यूमेंट्री मेथड को। तो ये होता है डॉक्यूमेंट्री मेथड। जब कहने का मतलब ये है कि जब सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसका आप सेंस बना सकते हो, जो चीजें आपके साथ पहले हो रखी होती हैं, तो आप आसानी से सेंस बना लेते हो, अच्छा ये इसका मीनिंग निकलेगा, ये इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो सेंस बना लेते हो। समझे कि नहीं समझे? द अदर स्टूडेंट इन द एक्सपेरिमेंट मेड सिमिलर असेसमेंट ऑफ काउंसलिंग सेशन। तो दूसरे स्टूडेंट जो थे उन्होंने भी सिमिलर असेसमेंट बनाया काउंसलिंग सेशन का। फ्रॉम कमेंट्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ईच ऑफ द आंसर्स दे रिसीव्ड, गैरफिंकल ड्रीव द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो भाई आप गैरफिंकल समझ गया, क्योंकि इसी ने ये एक्सपेरिमेंट करा है, इसने देखा कि वाओ सारे बच्चों का जो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल था वो काफी अच्छा था, तो इसने क्या कंक्लूजन निकाला, इसने कंक्लूजन निकाला कि स्टूडेंट्स मेड सेंस ऑफ द आंसर्स वेयर नो सेंस एग्जिस्टेड। सोचिए ना, जहां पे भाई सेंस ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। सोचिए ना, काउंसलर ने सिर्फ किसमें आंसर दिया, यस या नो में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने उस यस और नो के आंसर्स का भी सेंस बना लिया। सेंस क्यों बना लिया? क्योंकि वो स्टूडेंट ने अपना दिमाग लगाया होगा कि अगर टीचर या काउंसलर जो है मेरे को यस बोल रहा है या नो बोल रहा है, तो रीजन कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से, मतलब उसने दिमाग में पहले सोच लिया होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया ना जैसे ज्यू और वो था जेंटाइल, तो उसने दिमाग में बना लिया होगा कि टीचर ने अगर नो बोला है तो ऑब्वियसली ज्यूस और जेंटाइल है, इस वजह से शायद नो बोला हो टीचर ने। तो कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट्स मेड सेंस ऑफ द आंसर वेयर नो सेंस एग्जिस्टेड, दे इम्पोज्ड एन ऑर्डर ऑन द आंसर्स वेयर नो ऑर्डर वॉज प्रेजेंट। इन्होंने आंसर्स में भी ऑर्डर बना लिया जहां ऑर्डर प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना जो यस नो का ऑर्डर था वो टीचर के हाथ में नहीं था, काउंसलर के हाथ में नहीं था, क्योंकि पहले से ही यस नो का ऑर्डर भी बना रखा था कि कहाँ पे यस बोलना है आपको, कहाँ पे नो बोलना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने वो अपने माइंड में क्या बना लिया, ऑर्डर बना लिया। व्हेन आंसर्स अपीयर्ड कॉन्ट्रडिक्टरी और सरप्राइजिंग द स्टूडेंट्स अस्यूम्ड द काउंसलर वॉज अनअवेयर ऑफ द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस। ऑब्वियसली जहां पे स्टूडेंट को लगा था कि भाई ये जो काउंसलर है हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर जो है कॉन्ट्रडिक्टरी दे रहा है, तो उस टाइम पे भी बच्चों ने अपने दिमाग में एक केस बना लिया, क्या सोच लिया कि शायद इसको हमारा जो है फैक्ट है वो या पूरी केस है वो इस पता नहीं होगा, इस वजह से हमको आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ना, बच्चों ने सेंस बना लिया था, उनके दिमाग में ऑर्डर है कि भाई इस बंदे को कुछ चीज पता नहीं होगी, इस वजह से शायद मुझे गलत चीज बता दी इसने। ठीक है, द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड एन अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट्री मेथड। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब बच्चों ने कैसे बोला कि भाई सोशल ऑर्डर है, कंस्ट्रक्टेड एन अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर, बच्चों ने कैसे बोल लिया, मतलब मान लिया कि ऑर्डर एस्टेब्लिश था मेरे और काउंसलर के बीच में, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड का इस्तेमाल करा। डॉक्यूमेंट्री में मेथड बता चुका हूँ, दिमाग में पहले से ही फिक्स है उनके कि भाई अगर ये चीज हो रही है क्यों हो रही है या किस लिए हो रही है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट आंसर दे परसीव्ड एन अंडरलाइंग पैटर्न इन द काउंसलर्स एडवाइस, द सेंस ऑफ ईच फॉलोइंग आंसर वॉज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। ऑब्वियसली शुरुआत में जो पहला क्वेश्चन पूछा उसके बाद उन्होंने अपने माइंड में इंटरप्रेट करने लगे, धीरे धीरे पैटर्न बनाने लगे कि अच्छा ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्वियसली ये पैटर्न उसका बनाने लग गया कि हाँ ये पैटर्न से चलेगा। एंड एट द सेम टाइम ईच आंसर वॉज सीन एज एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पैटर्न। ठीक है, दस द स्टूडेंट्स मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन वॉज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए जो स्टूडेंट्स ने मेथड इस्तेमाल करा इंटरप्रिटेशन का, है ना भाई, टीचर ने या काउंसलर ने आंसर क्या दिया यस या नो में, अब उसको इंटरप्रेट करा किस मेथड से, उन्होंने रिफ्लेक्सिव मेथड से। रिफ्लेक्सिव मेथड इन द सेंस कि भाई हाँ उन्होंने मन में सोच लिया कि हाँ कि भाई अगर काउंसलर जो है उसने यस आंसर दिया है तो उसका ये मीनिंग लिखेगा, तो उन्होंने रिफ्लेक्स कर लिया पहले से ही। ठीक है, नॉट ओनली डिड दे प्रोड्यूस एन अकाउंट ऑफ द काउंसलिंग सेशन बट द अकाउंट वॉज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ एंड सो कॉन्स्टिट्यूटेड द सेशन। ठीक है, इन दिस वे द अकाउंटिंग प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड सोशल रियलिटी एट वन एंड द सेम टाइम। गैरफिंकल क्लेम्ड दैट काउंसलिंग एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड एंड कैप्चर्ड द प्रोसीजर्स दैट मेंबर्स आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग टू कंस्ट्रक्ट द सोशल वर्ल्ड इन देयर एवरीडे लाइफ। तो वही बता रहा हूँ, गैरफिंकल ने साफ साफ बोला
ये जो काउंसलिंग एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया है ना, ये इसने क्या हाईलाइट करा, काउंसलिंग एक्सपेरिमेंट ने इसने साफ साफ हाईलाइट करा कि भाई जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो कंस्टेंटली यूज कर रहे हैं, कंस्टेंटली यूजिंग टू कंस्ट्रक्ट सोशल वर्ल्ड इन देयर एवरीडे लाइफ। ऑब्वियसली जब एवरीडे लाइफ आप जाते रहते हो अपनी लाइफ में, आपको पता चलता रहता है कि हाँ हाँ ये मेरे साथ सिचुएशन हो रही है, तो ये जो है सोशल ऑर्डर का ही पार्ट है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इंडेक्सिकैलिटी। इंडेक्सिकैलिटी भी दोस्तों एथनोमेथोलॉजी का ही पार्ट है, इसको भी समझ लीजिए इंडेक्सिकैलिटी क्या होता है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू इलस्ट्रेट द आइडिया ऑफ इंडेक्सिकैलिटी। तो याद रखिए ये जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा ना बच्चों के ऊपर, इसी एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है किसको समझने के लिए, इंडेक्सिकैलिटी को भी समझने के लिए, जो भी अभी गर्फिंकल ने पीछे जो एक्सपेरिमेंट करवाया ना बच्चों के ऊपर। ठीक है, अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयड बाय गर्फिंकल एंड अदर एथनोमेथोलॉजिस्ट। तो दोस्तों ये जो इंडेक्सिकैलिटी का कॉन्सेप्ट है ये गर्फिंकल ने तो अप्लाई करा ही करा है, और बाकी जो डिफरेंट एथनोमेथोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इस इंडेक्सिकैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करा। अब समझते हैं इंडेक्सिकैलिटी होता क्या है। इंडेक्सिकैलिटी मीन्स दैट द सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट, इट इज इंडेक्स्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इंडेक्सिकैलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, इंडेक्सिकैलिटी मीन्स दैट द सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं समझाया फिर से आसान भाषा में समझाता हूं। तो दोस्तों इंडेक्सिकैलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी का सेंस कैसे बनाते हो भाई, सेंस आप तभी बनाते हो ना आप पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, वही लिखा हुआ है, इंडेक्सिकैलिटी मीन्स दैट सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है या एक्टिविटी हो रही है उसका आप सेंस कैसे बनाते हो, कॉन्टेक्स्ट के जरिए सेंस बनाते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में यह चीज बोली गई है। ठीक है, इट इज इंडेक्स, तो उसी जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो कि भाई इस चीज को लेकर बात हो रही है, तो आप क्या कर देते हो उस कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देते हो, इंडेक्स्ड कर देते हो, उसका भी एक तरीके से क्या बना लेते हो, इंडेक्स बना लेते हो, जैसे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ना, जैसे डॉक्यूमेंट होता है वही इंडेक्स होता है। ठीक है, इट इज इंडेक्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑब्वियसली आप उसको पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से क्या कर देते हो, इंडेक्स कर देते हो कि हाँ भाई ये चीज अगर इवेंट हुआ है तो इस सिचुएशन में हुआ है तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रोया है, क्यों रोया, उसको चोट लग गई है। ठीक है, अब चोट लग गई है, आपने उसका इंडेक्स बना लिया कि हाँ जब चोट लग गई तो बंदे रोते हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो कहने का मतलब यह है बड़ी बड़ी सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप क्या कर लेते हो, इंडेक्स कर देते हो, इट इज इंडेक्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एज अ रिजल्ट एनी इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन और अकाउंट मेड बाय मेंबर्स। तो याद रखिए जो भी इंटरप्रिटेशन होती है या एक्सप्लेनेशन होती है या अकाउंट जो बनाया जाता है किसी मेंबर्स के द्वारा इन देयर एवरीडे लाइफ इज मेड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन। वही ऑब्वियसली भाई जो आपके साथ सिचुएशन होगी, सर्कमस्टांसेस होगा, उसी के हिसाब से तो आप एक इंडेक्स तैयार कर लोगे। भाई जब आप नोटबुक देखते हो ना, वहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, वहाँ पे आप टॉपिक लिखते हो, उसके बाद रेफरेंस लिख देते हो, तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ के साथ भी जो आपके लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उन्हीं की क्या करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, और उसके बाद आप अपने दिमाग में बना लेते हो कि हाँ भाई ये सिचुएशन हुई है तो मैं इसको इंडेक्स कर लेता हूँ, अगर फ्यूचर में ये चीज मेरे साथ होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज हुई थी और ये सोशल ऑर्डर का ही क्या है पार्ट है, क्या है, सोशल ऑर्डर का ही पार्ट है। Thus the student sense of the counselor's answer was derived from the context of interaction. Obviously ये वही है दोस्तों कि भाई स्टूडेंट्स ने काउंसलर के जो आंसर देखे थे, यस और नो के सुने थे, उन्होंने सेंस कैसे बना ली काउंसलर के आंसर्स के जरिए, क्योंकि दोस्तों इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि हाँ भाई मेरी बात चल रही थी, जैसे एक स्टूडेंट का बात चल रहा था कि ही वॉज अ ज्यूज एंड हिज गर्लफ्रेंड वॉज अ जेंटाइल, तो भाई वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही दिमाग में सोचा उस बच्चे ने कि हाँ मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ तो काउंसलर भी मुझे लगता है इसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे रहा होगा यस और नो के रूप में, भले ही वो काउंसलर पता नहीं है कि क्या आंसर दे रहा था, लेकिन उसने कॉन्टेक्स्ट तो वही समझा ना स्टूडेंट ने कि भाई मुझे जो काउंसलर है इसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे रहा है, तो उसी के हिसाब से उसने मीनिंग डिराइव करना शुरू कर दिया। समझे कि नहीं समझे, उसी के हिसाब से उसने सेंस बनाना शुरू कर दिया था। फ्रॉम द सेटिंग अप psychiatry department and the information they were given, the students believed the counselor was what he claimed to be and that he was doing his best to give honest and sound advice. साफ साफ स्टूडेंट ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई जो काउंसलर है वो हमको बेस्ट और ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा था, भले ही काउंसलर को कुछ भी नहीं पता हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे थे। ठीक है,
His answers were interpreted with the framework of the context. Obviously, जो बच्चों ने आंसर इंटरप्रेट करे ना उस काउंसलर के, वो इंटरप्रेट करे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही उन्होंने इंटरप्रेट करे थे. इफ आइडेंटिकल आंसर्स हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फेलो स्टूडेंट्स इन अ कॉफी बार द चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली हैव रिजल्टेड इन अ वेरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. ऑब्वियसली सच रिस्पॉन्स फ्रॉम फेलो स्टूडेंट्स माइट हैव बीन सीन एज एविडेंस दैट दे हैड टेंपरेरली टेकन लीव of their senses or were having a joke at their friend's expense and they were drunk and so on. ठीक है, Garfinkel argued that sense of any action is achieved by reference to its context. वही बार बार आ रहा है कि भाई Garfinkel साफ साफ बोलते हैं कि सेंस जो होती है किसी भी एक्शन की is achieved by reference to its context. Members' sense of what is happening depends on the way they interpret the context of the activity concerned. Obviously, जो members हैं जो भी सोसाइटी में हो रहा है चीज उसका सेंस कैसे बनाते हैं, उसका सेंस इस आधार पर बनाते हैं कि वो जो एक्टिविटी हो रही है उसको इंटरप्रेट किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं. जिस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करेंगे उसी के हिसाब से वो जो होगा क्या होगा वो सेंस बनाएंगे. ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अब रो रहे हैं कोई बंदा आपके घर के सामने खड़े होके, तो आप जो है आप इंटरप्रेट कर रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में, उसी के हिसाब से आप उसका सेंस बनाओगे. ठीक है, In this respect, their understanding and accounts are indexical. Obviously, उसी के हिसाब से जो उनके understanding और accounts हैं, वो indexical हो जाते हैं. वो जिस हिसाब से sense बनाते हैं, उसी का क्या बना लेते हैं? Mind में index बना लेते हैं. They make sense in terms of particular settings. ठीक है? अगला जो है ethnomethology के अंदर ही है, वो है disrupting the social world. अब एक और ये experiment करते हैं Garfinkel जी. ये बोलते हैं कि भाई चलो एक और experiment करते हैं कि अभी तो भाई मैं normal चीजें करवा रहा था जिसमें सभी लोगों को पता चल रहा था कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना हुआ है. अब इन्होंने बोला कि सोसाइटी में ना कुछ ऐसी चीजें हरकतें करवाते हैं जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल ना हो. क्या हो? नॉर्मल ना हो. तो उस टाइम पे भी जो लोग हैं क्या वो सोशल ऑर्डर का जो सेंस है अपने माइंड में वो बना पाते हैं या नहीं है. तो देख लीजिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने सोशल वर्ल्ड को डिसरप्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट करा. देखिए, Garfinkel encouraged his students actually to disrupt the social world. इन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला भाई आओ चलो सोशल वर्ल्ड को थोड़ा सा डिसरप्ट करते हैं, इसमें उथल पुथल करते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिवील दैट द वे मेंबर्स मेड सेंस ऑफ इट एंड रीच्ड अंडरस्टैंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल ही सजेस्टेड दे गो इन टू द सुपर मार्केट एंड हैगल ओवर द प्राइस ऑफ गुड्स. इन्होंने साफ साफ बोला अपने स्टूडेंट को कि जाओ सुपर मार्केट में जाओ और जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके प्राइस को लेकर हैगल करो, मतलब नाप तोल करवाओ, बोलो 100 रुपए 50 रुपए होता ना पता करना, उसको लेकर इन्होंने बोला उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जाओ और एक साथ दाम जो है बढ़ाओ घटाओ. ठीक है, उसके अलावा एक और इन्होंने बोला कि आप अपने स्टूडेंट को बोला कि आप अपने लोग घर जाओ. ठीक है, गो बैक टू देयर ओन होम्स एंड एक्ट एज इफ दे वर लॉजर्स. और इस तरीके से एक्ट करो कि आप वहां के नॉर्मल निवासी ना हो बल्कि लॉजर हो, अनजान व्यक्ति हो, घर में आके एक तरीके से घुस रहे हो, तो आपके मम्मी पापा जो हैं, जो भी फैमिली में मेंबर हैं, वो कैसे उस चीज को सेंस बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्योंकि आप जब डेली घर पे जाते होगे आराम से जूते उतारते होगे बैठते होगे तो सेंस बना लेते हैं कि हाँ बच्चा आ गया थक गया ये फलाना आ गया. लेकिन आप एक तरीके से इस तरीके से जाओ कि आप बिल्कुल ही अननोन पर्सनैलिटी हो, है ना, बिल्कुल अननोन पर्सनैलिटी हो और अजीब तरीके से व्यवहार करो जाके, तब क्या आपके फैमिली वाले आपका सेंस बना लेते हैं कि क्या है या नहीं है. ठीक है, इन सच वेज दे वुड डेमोन्स्ट्रेट द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर. ऑब्वियसली अब आप इस तरीके से जाके बिहेव करोगे फैमिली में जाके अजीब तरीके से, तो ये क्या है, फ्रेजाइल नेचर है सोशल ऑर्डर का. ठीक है, द विक्टिम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फाउंड इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू इंडेक्स देम इन द सिचुएशन इन विच दे टुक प्लेस. ऑब्वियसली तो जो विक्टिम्स हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के, विक्टिम्स कौन सा होगा, जैसे कि फैमिली वगैरह है, वो दोस्तों समझ ही नहीं पाया कि हमारा बच्चा जो घर पे आया है ये आज इस तरीके से कैसे व्यवहार कर रहा है. ठीक है, बहुत ही अजीब से व्यवहार कर रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाए उस सिचुएशन को और ना ही वो क्या कर पाए उसके इंडेक्स बना पाए, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा चीज हुई नहीं थी अभी तक बच्चा के साथ. ठीक है, दस पेरेंट्स फेस्ड विद द चाइल्ड एक्टिंग एज अ लॉजर इन देयर ओन होम बिकम परप्लेक्स्ड और एंग्री एंड डिस्परेटली ट्राई टू मेक सेंस ऑफ देयर चाइल्ड्स एक्शन बाय फॉर एग्जाम्पल बिलीविंग दैट द चाइल्ड मस्ट बी इल. तो ऑब्वियसली जब शुरू में समझ में नहीं आया पेरेंट्स वगैरह को ये बच्चा ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप से एक अलग चीज बना ली अपने माइंड में क्या कि बच्चा बीमार हो गया होगा इसी वजह से अजीब से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में वो जो बच्चा एक्शन कर रहा है उसकी कुछ सेंस ही नहीं बना पाए. समझे कि नहीं समझे? तो ये था इनका डिसरप्टिंग द सोशल वर्ल्ड. डिसरप्टिंग द सोशल वर्ल्ड के जरिए क्या समझ में आया कि भाई
सोशल और जब सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी लोग सेंस नहीं बना पाते, तो ये भी समझ में आता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसकी आप सेंस नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोगों ने उसको लेकर कोई इंडेक्स नहीं बना रखा है अपने माइंड में या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रखा है। द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी एक और समझते हैं, ये भी एथनोमेथोलॉजी का ही पार्ट है। तो गर्फिंकल बताते हैं कि नेचर ऑफ सोशल रियलिटी क्या है। एथनोमेथोलॉजिस्ट आर हाईली क्रिटिकल ऑफ देयर अदर ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोस्तों जो एथनोमेथोलॉजिस्ट हैं, ये सोशल जो सोशियोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उनको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादा। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, देखिए, दे आर्ग्यू दैट कन्वेंशनल सोशियोलॉजिस्ट हैव मिसअंडरस्टूड द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। तो साफ साफ बोलते हैं कि भाई सोशियोलॉजी जो है ना, इसने जो सोशल रियलिटी का जो एक तरीके से चीज है रियल, कि सोशल रियलिटी होता क्या है, उसको मिसअंडरस्टूड समझ लिया है, मतलब गलत ही समझ लिया कि सोशल रियलिटी ये होती है वो होती है। बल्कि इनके अनुसार कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिर से बोलता हूँ, एथनोमेथोलॉजिस्ट के अनुसार जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अभी तक सोशल रियलिटी को समझ नहीं पाया है, सोशल रियलिटी को समझ नहीं पाए हैं, ये साफ साफ बोलते हैं। देखिए, दे हैव ट्रीटेड द सोशल वर्ल्ड एज इफ इट एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स अकाउंट एंड इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों एथनोमेथोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं सोशियोलॉजिस्ट को और बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने ना जो सोशल चीज है, सोशल वर्ल्ड है, उसको आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव रियलिटी बना लिया कि फिक्स्ड है कि भाई जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो फिक्स्ड है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बल्कि ऐसा नहीं है। एथनोमेथोलॉजिस्ट इसी के तो खिलाफ हैं, बोलते हैं कि भाई जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सोशल रियलिटी को ना एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बना रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट ने ही ना जो सोशल रियलिटी है उसको इंडिपेंडेंट मान लिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अकाउंट्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इसी चीज को लेकर एथनोमेथोलॉजिस्ट बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। दस दे हैव रिगार्डेड एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड सच एज सुसाइड एंड क्राइम एस्पेक्ट्स विद एन एक्सेशन ऑफ देयर ओन। तो वो ऑब्वियसली आपको पता ना, अमाइल दर क्राइम जो है, इन्होंने साफ साफ सुसाइड को क्या बना लिया है और क्राइम को क्या बना लिया, एक फैक्ट के रूप में इन्होंने दर्शाया था कि सुसाइड क्राइम ये क्या है, सोशल फैक्ट है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मैक्स वेबर के टाइम पर पढ़ाया था सोशल फैक्ट के। तो इन्होंने जो सोशल चीजें हैं उनको क्या मान लिया है, एक फैक्ट मान लिया। और फैक्ट तो आपको पता है, एक फैक्ट जो भी चीज होती है उसकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है। तो इसी चीज को ये क्रिटिसाइज भी करते हैं एथनोमेथोलॉजिस्ट, कि साफ साफ बोलते हैं कि भाई जो सोसाइटी में चीजें हो रही है ना, क्राइम सुसाइड वगैरह, ये आप फैक्ट ट्रीट मत करो, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, इनकी फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, तो आप कैसे इनको फैक्ट बोल सकते हो, इनका खुद का खुद मीनिंग थोड़ी ना है। तो इसी चीज को लेकर बार बार क्रिटिसाइज करते हैं एथनोमेथोलॉजिस्ट। दे हैव देन अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट्स। और बाद में आपको पता है सोशियोलॉजिस्ट जो है इन फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि सोसाइटी क्यों हो रहा है, क्राइम रेट क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के खिलाफ, इन सभी पॉइंट्स के खिलाफ अब एथनोमेथोलॉजिस्ट जाते हैं और बोलते हैं, देखिए, एथनोमेथोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट द सोशल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ नथिंग मोर देन द कंस्ट्रक्ट्स। तो बोलते हैं कि भाई सोशल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, सोशल वर्ल्ड में लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग्स, वही मेन चीज है। तो आप कंस्ट्रक्शन पे विश्वास कीजिए, कोई फिक्स्ड चीज नहीं है सोसाइटी में, ठीक है भाई। आप भी जो है अपने दिमाग में जो है सोशल ऑर्डर बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते रहते हो कि नहीं करते रहते हो, तो वो मेन चीज है। आपको कहने का मतलब यह है, एथनोमेथोलॉजिस्ट साफ साफ बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट को कि आप कोई चीज जो है सोशियोलॉजी में उसको फिक्स मत करो, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एंड अकाउंट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली साफ साफ बोलते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का क्या काम है, इंटरप्रिटेशन करना एंड अकाउंट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। The job of the sociologist is therefore to explore the methods and accounting procedure that the members employ to construct their social world. Obviously, इन्होंने साफ साफ बोला ethnomethologist का कि भाई सोशियोलॉजी को बोला सोशियोलॉजिस्ट को कि आप लोगों का मेन काम ये है कि जो लोग डेली लाइफ में जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, क्या सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मेथड को स्टडी करो ना, उन मेथड्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एथनोमेथोलॉजिस्ट दिस इज वेरी जॉब दैट मेंटेन मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी हैज फेल्ड टू डू। इन्होंने साफ साफ बोला कि यही जो मेन चीज है, मेथड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि भाई सोशल जो सोशल इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे कैसे मीनिंग डिराइव करते हैं, कैसे कैसे मीनिंग को समझते हैं, उसी चीज को आप समझा नहीं रहे हो। और सोशियोलॉजी का मेन स्ट्रीम तो यही होना चाहिए, उसी को आप लैग कर रहे हो। इसी चीज को लेकर एथनोमेथोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं सोशियोलॉजिस्ट को, ठीक है। और देख लीजिए एथनोमेथोलॉजी एंड मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी। अब देखिए एथनोमेथोलॉजी और मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंस है और थोड़ा सा समझते हैं। गर्फिंकल आर्ग्यूड दैट मेनस्ट्रीम सोशियोलॉजी हैज टिपिकली पोर्ट्रेड पीपल एज कल्चर डॉप्स। ऑब्वियसली गर्फिंकल साफ साफ बोलते हैं
कि भाई सोशियोलॉजी ने बर्बाद कर रखा है, क्योंकि सोशियोलॉजी ने इंसानों को क्या ट्रीट कर रखा है, कल्चरल ड्रॉप ट्रीट कर रखा है। कल्चर ड्रॉप समझते हो ना, कि भाई जो भी सोसाइटी में सिखाया जा रहा है उसी के अनुसार कठपुतली की तरह इंसान एक्ट कर रहे हैं। किसकी तरह? कठपुतली की तरह। लेकिन एथनोमेथोलॉजिस्ट बोलते हैं बिल्कुल ही गलत है, गैरफिंकल बोलते हैं ये बिल्कुल ही गलत है, सोशियोलॉजिस्ट को समझ में ही नहीं आया। देखिए कल्चर ड्रॉप्स क्या होते हैं, हु सिंपली एक्ट आउट द स्टैंडर्डाइज डायरेक्टिव प्रोवाइडेड बाय द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि भाई जो भी कल्चर है सोसाइटी का उसके हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्डाइज डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रखे होंगे, उसी के हिसाब से इंडिविजुअल जो है एक्ट करता है। तो ये बोलते हैं कौन, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इसी चीज को गर्फिंकल ने क्रिटिसाइज करा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गर्फिंकल स्टेट है, देखिए गर्फिंकल ने क्या स्टेट करा, बाय कल्चरल डॉप्ट आई रेफर टू द मैन इन द सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी हु प्रोड्यूसेस द स्टेबल फीचर ऑफ सोसाइटी बाय एक्टिंग इन कंप्लायंस विद प्रीडिस्टैब्लिश्ड एंड लेजिटिमेट अल्टरनेटिव्स ऑफ एक्शन दैट द कॉमन कल्चर प्रोवाइड्स। तो गर्फिंकल साफ साफ बोलते हैं कि कल्चरल डॉप का क्या मतलब क्या है, इनके अनुसार बाय कल्चरल डॉप आई रेफर टू द मैन, तो इनके अनुसार क्या है, आई रेफर टू द मैन इन द सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी हु प्रोड्यूसेस द स्टेबल फीचर ऑफ सोसाइटी। तो इनके अनुसार कल्चर डॉप वो पर्सन है, वो बंदा है जो सोसाइटी में प्रोड्यूस करता है स्टेबल फीचर्स को, क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेबल फीचर्स को ऑफ द सोसाइटी बाय एक्टिंग इन कंप्लायंस विद प्री एस्टैब्लिश्ड एंड लेजिटिमेट अल्टरनेटिव्स। ऑब्वियसली जो भी लेजिटिमेट अल्टरनेटिव एस्टैब्लिश्ड हैं उन्हीं के साथ कंप्लाई करेगा, उन्हीं के साथ कंप्लाई करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्टेबल फीचर्स को, ठीक है। लेजिटिमेट अल्टरनेटिव एक्शन दैट कॉमन कल्चर प्रोवाइड्स इन प्लेस ऑफ द कल्चर डॉप, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द कल्चरल डॉप द एथनोमेथोलॉजिस्ट पिक्चर्स द स्किल्ड मेंबर्स हु इज कंस्टेंटली अटेंडिंग टू द पर्टिकुलर इंडेक्सिकल क्वालिटी ऑफ सिचुएशन गिविंग द मीनिंग मेकिंग द नोवेल कम्युनिकेटिंग दिस नॉलेज टू द अदर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग अ सेंस एंड अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर फॉर दिस पर्सपेक्टिव मेंबर्स कंस्ट्रक्ट एंड अकम्प्लिश देयर ओन सोशल वर्ल्ड रदर देन बींग शेप्ड बाय इट। ऑब्वियसली जो भाई जो भी ऑर्डर पैटर्न उसके दिमाग में इंडेक्स बना हुआ है उसी के अनुसार क्या करता है अपने वो जो इंडिविजुअल है दोस्तों ये देखना, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव मेंबर कंस्ट्रक्ट करता है और अकम्प्लिश करता है देयर ओन सोशल वर्ल्ड को रदर देन बींग शेप्ड बाय इट। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो जैसा अभी तक सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है एक्ट करता है सोशियोलॉजिक्स के हिसाब से, मतलब जो भी सोशल ऑर्डर बना हुआ है उसके हिसाब से एक्ट करता है, नहीं नहीं तो साफ साफ बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल भी एक्ट करता है सोशल वर्ल्ड में और उसको भी थोड़ा बहुत क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्री मेथड एंड मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी, अब डॉक्यूमेंट्री मेथड वैसे मैं अभी समझा चुका हूं, अब डॉक्यूमेंट्री मेथड और मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एथनोमेथोलॉजिस्ट सी लिटिल डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोशियोलॉजिस्ट एंड द पर्सन इन द स्ट्रीट। तो ऑब्वियसली एथनोमेथोलॉजिस्ट साफ साफ बोलते हैं कि भाई मेरे अनुसार ना जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और जो कॉमन पर्सन है स्ट्रीट पे चले जाओ गली में चले जाओ इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। क्यों एथनोमेथोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं, देखिए इनका रीजन सुनिए। दे आर्ग्यू दैट मेथड्स एम्प्लॉयड बाय सोशियोलॉजिस्ट इन देयर रिसर्च आर बेसिकली सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन देयर एवरीडे लाइफ। ऑब्वियसली साफ साफ बोलते हैं कि भाई जो सोशियोलॉजिस्ट ने मेथड अप्लाई कर रखे हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए यानी सोसाइटी को समझने के लिए वही मेथड एक इंसान जो है आम आदमी है वो भी अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता है उन्हीं मेथड्स को सोशल लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। तो भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों में, देखिए जो मेंबर्स हैं एम्प्लॉइंग द डॉक्यूमेंट्री मेथड, ऑब्वियसली आप जो है आप भी अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मेथड का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है, मेंबर्स एम्प्लॉइंग द डॉक्यूमेंट्री मेथड आर कंस्टेंटली थ्योराइजिंग drawing relationship between the activities and making the social world appear orderly and systematically। obviously आप भी जो है अपनी लाइफ में documentary method का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसको theorize करते हो, draw करते हो relationship between activities, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो social world का sense बनाते हो कि हाँ भाई ये social order बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल आप अपने दिमाग में sense बना लेते हो क्योंकि आपके पास already documents है कि भाई ये चीजें होंगी तो social order बनेगा, उसके हिसाब से आप जो है sense बना लेते हो, ठीक है। they then treat the social world as if it had an objectivity separate from themselves, ठीक है। तो obviously आप जो है individual जो है आप लोग भी जो क्या कर लेते हो जो social world का है एक objectivity बना लेते हो separate from themselves। The ethnomethologists argue that procedure of conventional sociologists are essentially similar। तो साफ साफ ethnomethologists बोलते हैं कि जो individual ने देखो ना documentary method एक तरीके से अपने दिमाग में बना रखा है उसी तरीके का method जो है sociologist ने भी apply कर रखा है कि बोल sociologist भी क्या है objective reality treat करते हैं, सब कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी मान लेते हैं और उसके हिसाब से उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है।
दे एम्प्लॉय द डॉक्यूमेंट्री मेथड, थ्योराइज करते हैं, ड्रॉ करते हैं रिलेशनशिप और कंस्ट्रक्ट करते हैं पिक्चर ऑफ एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक सोशल सिस्टम। तो यही इसी मेथड का तो इस्तेमाल सोशियोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑपरेट रिफ्लेक्सिवली लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, दस फंक्शनलिस्ट सी बिहेवियर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, दे ऑल्सो यूज इंस्टेंसेस ऑफ दैट बिहेवियर एज एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैटर्न, ठीक है। By means their accounting procedures member construct a picture of society. In this sense, the person in the street is his or her own sociologist, ethnomethodologist. See little to choose between the picture of society that people create and those provided by the conventional sociologist. आप देख लेते हैं last जो है आज का वो है critic of ethnomethodology. अब थोड़ा सा criticism भी कर लेते हैं ethnomethodology का, ठीक है। बहुत सारे criticism है लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बंदे आते हैं जिनका नाम है एल्विन गॉर्डनर, इनके बारे में मैं पहले समझा चुका हूं। एल्विन गॉर्डनर पोर्स स्कॉन अपॉन एथनोमेथोलॉजी फॉर डीलिंग विद ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड रिवीलिंग थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी नोज, ठीक है, नोज ऑफ। क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट एथनोमेथोलॉजिस्ट अपीयर टू लैक एनी मोटिव्स एंड गोल्स एंड फेल टू रिकॉग्नाइज दैट मेंबर्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर कंडक्टेड विद इन द सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप involving difference of power, ठीक है। Despite its criticism, ethnomethodology has had an impact on linguistic and particularly on pragmatics. Ethnomethodology studies of work have played a significant role in the field of human-computer interaction, informing design by providing engineers with this rich description of the practices of the users. Ethnomethodology has developed what is